ये वीडियो लाया गया ऑन किलिंग अ ट्री के ऊपर। आप लोग ये वीडियो देखोगे, आप लोगों को मजा आएगा और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट निकालो, सुन लो, उसके बाद तुम्हारा भी मजा, हम लोगों का भी मजा। खैर अब सुनिए, एज टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ नेचर रिलेटेड पोएम। नेचर, कुदरत से, कुदरती से, ठीक है, अ नेचर रिलेटेड पोएम। व्हाट इज इट? ऑन किलिंग अ ट्री। कैसे ट्री को मार देंगे हम लोग? लास्ट में पता चलेगा कि वो ट्री को हम लोग कैसे मारेंगे, वो फाइनली कैसे मर गया, ठीक है। सो ऑन किलिंग अ ट्री वाज रिटन बाय जीव पाटिल। आप देख सकते हो जीव पाटिल, ये नेचर लवर है, इनको कुदरत से बहुत प्यार है। और इनके बारे में और जानना है मैं बोलूंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलो मैं पोएम के स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रही हूँ, टोटल 4 स्टैंजा है, तो एक एक स्टैंजा करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज आप लोग बुक पे देखना। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा पे क्या बोला जा रहा है, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। तुम देखना सेकंड लाइन ही हो गई, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, मार दिए, मर गया। अ सिंपल ऑफ जैब, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट डिस्ट्रॉय आवर ट्री। आई मारे, जैसे हम लोगों को एक खरोच कर दिया हाथ पे, हम लोग मर जाएंगे। नहीं, हम लोग मर नहीं जाएंगे, वैसे ट्री पे तुम आए, मार दिए, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री, ओके, ये इजी होगा। अब हम लोग पूछेंगे ऑन किलिंग अ ट्री पर डे, तो नहीं अभी नहीं मरा है वो, जा कैसे मरेगा वो, कैसे मर जाएगा, उसके बेस में जाओ, बेस में जाके हिला दो, किसी को भी गिराना है, ऐसा देखा जाए। हम लोग को ये नहीं करना है, बिकॉज ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग सांस कैसे लेंगे, हम लोग खाना कैसे खाएंगे आने वाला फ्यूचर पे, घर को खाएंगे हम लोग बैठ के, या फिर जो फर्नीचर बनता है लकड़ी का वो खाएंगे, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से समझिए आप। नहीं, अगर आपको ट्री को मारना है, पोएट के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्री को मारना है, तो जस्ट अपरूटेड अ ट्री, जड़ से हटा दो, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद what will happen if we do a simple jab of a simple jab on a tree, will it die, yes or no? क्या लगता है आपको, a simple jab of knife, will it die? अगर वो yes हो रहा है या no हो रहा है, आप लोग comment करो और बताओ, क्या simple jab मतलब बस आप मार दिए, मर रहे, करो comment और बता चलेगा कि किसको कितना, इतने में क्या समझ में आया। तो आगे देखते हैं, a tree again starts to regrow, a tree again restarts to regrow, मतलब वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से कैसे, how, कैसे वो बढ़े, main elements, main elements क्या, air, water, sunlight, soil, air, water, sunlight, soil, ये main elements से tree को वापस से regrow करने के लिए। अब अगर कंपेयर करें, ये हम बता रहे, अगर हम लोग कंपेयर करें, हम लोग जैसे कि आप जैसे बच्चे लोग, जो आप जैसे स्टूडेंट लोग हो, इतने अच्छे अच्छे हो, कभी क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं ना, आप लोग भटक जाते हो, तो हम लोगों को वापस फिर से ट्रैक पे कौन लाता है, टीचर्स, पेरेंट्स, मेन एलिमेंट्स हो गए ना स्टूडेंट लोग के लिए, तो फिर वैसे मेन एलिमेंट्स ट्री लोग के लिए क्या, आदमी के लिए, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एम आई क्लियर? उसके बाद चलो मेन एलिमेंट सीखे, फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट पे आवा, वहां पर होगा एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड। क्या बोला जा रहा है, क्या है ये, तो तुम आप लोग वहां पर लिख लेना, हियर द पोएट हैज बीन कंपेयर्ड द बार्क ऑफ अ ट्री टू समवन हु हैज लेप्रोसी। मैं फिर से बता रही हूं, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड, कॉमा देना, हाइफन देना, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करना, हियर द पोएट हैज बीन कंपेयर्ड द बार्क ऑफ अ ट्री टू समवन हु हैज लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या, थोड़ा अजीब लगा ना हमको भी, स्किन डिजीज होता है वो, ठीक है, क्या होता है ना, हम लोग का कलर जो चेंज हो जाता है, डिसकलर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा को और एक कुछ है वो थोड़ा सुन ले, ये थोड़ा अच्छा होगा। Trees take nutrients, ये भी आप लोग लिख लेना, trees take nutrients to grow into a strong trunks and numerous leaves are start to grow। मार दिया, वो नहीं मरा, वो बाबा वापस से लाएंगे,
अभी फर्स्ट स्टैंजा पे वो नहीं उनका खात्मा हुआ है, मतलब कि वुड कटर नाउ डज नॉट डिस्ट्रॉय द ट्री, अभी तो वो नहीं मारे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंजा था। तो ये था पूरा पोएम फर्स्ट स्टैंजा का, और अभी ये ट्री नहीं मरा है, गए लिए एक्स मार दिए, नहीं मरा है अभी, ये नहीं मरा। हम लोग सेकेंड स्टैंजा पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर आपको पता चलेगा भाई सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है, क्या होगा वहां पर, क्या वो फाइनली मर जाएंगे सेकेंड स्टैंजा पे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और जैसे कि कुछ एक मीनिंग है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैब। जैब मतलब होता है शॉर्ट स्टैब, मतलब ऐसे लिए ये नाइफ, यहाँ ये नाइफ तो नहीं है, ऐसे लिए और जैब करके ऐसे करके मार दिए, ऐसा वाला, ये शॉर्ट स्टैब बन गया। मतलब से हम लोग किसी को नहीं लग जाते कभी नाइफ से हल्का सा, तो अब तो हम लोग समझ सकते हैं ना एक्स से, कुल्हाड़ी, अब कुल्हाड़ी से तो अपने आप को नहीं मार सकते, वो ट्री के लिए शॉर्ट स्टैब हो गया है कि उसको मारे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसाइट जो है वो लेप्रोसी से आया हुआ है, और लेप्रोसी स्किन डिजीज होता है जहां पर आपका स्किन कलर चेंज हो जाएगा। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर जेसी बोस याद है, जगदीश चंद्र बोस, वो क्या बताए थे कि लाइक ट्रीज आर लिविंग थिंग्स, ट्रीज आर लाइक ह्यूमन बींग्स, उन लोग भी ग्रो होते हैं, उन लोग भी बढ़ते हैं। जब उन लोग ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, उन लोग बढ़ सकते हैं, उनको फील भी तो होता होगा ना, हम लोग को फील होता है, हम लोग बोल देते हैं, उन लोग कैसे, जब वो ग्रो हो पा रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है, मतलब वो लिविंग ही है, बस क्या हो जा रहा है, वो बोल नहीं पा रहे, क्लियर। तो और स्प्राउटिंग, वहां पर एक स्प्राउटिंग बोल के भी होगा, ग्रोइंग लीव्स वापस से बढ़ना, ठीक है। ये इतना मीनिंग था, ये आप लोग लिख लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज जरूर करना, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द बोर्ड, CBSE एज वेल एज WBCHSC। सो बाय।